दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी मौत की नींद सो चुका है, लेकिन कुछ सियासतदान मुख्तार अंसारी के हार्ट अटैक से मौत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव हो या सदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव हो या मायावती, सबने जांच की मांग की है और इस आकस्मिक मौत को साजिश करार दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं मुख्तार अंसारी के कितने हमदर्द। माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत के बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता न सिर्फ मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बल्कि मौत को संदिग्ध बताकर जांच की मांग और कई बड़े सवाल उठा रहे हैं। बांदा जेल में मुख्तार की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए। हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व है। किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का भरोसा उठा देगा। ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। उधर शिवपाल यादव ने एक कदम आगे बढ़ाकर मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का निधन दुखद है। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ मायावती ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाते हुए न सिर्फ जांच की मांग कर दी, बल्कि जेल में बंद मुख्तार की मौत को साजिश होने की आशंका भी जता दी। मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत पर उनके परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की उच्च स्तरीय जाँच जरूरी है ताकि मौत के सही तथ्य सामने आ सके। वहीं इससे पहले मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने कई सवाल उठाए। एसपी नेता अमीक जमाई और कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाते हुए सरकार से जांच करने की मांग की। जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करते। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता है, तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते हैं। ये एक बहुत गंभीर प्रश्न उठ गया है कि चाहे कुछ भी हो, वो जनप्रतिनिधि रहे हैं और जिस प्रकार से जेल में रहते हुए पिछले 18-19 सालों से जेल में थे, उन्होंने एक खुला पत्र लिखा था कि उनको एक स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसके बाद उनकी 2 दिन बाद हार्ट अटैक से मृत्यु होती है, तो जाहिर सी बात है कि जनमानस में एक सवाल उठता है। अभी 2 दिन पहले गाजीपुर के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुल्जिम साबित होने हैं। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। उधर मुख्तार अंसारी की मौत को उनके परिवार ने सियासी साजिश करार दिया, तो वहीं पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार ने इसे कुदरत का इंसाफ कहा। 18 मार्च से उनकी काफी तबीयत खराब चल रही थी, बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल हैं कह के वापस कर दिए। तो ये भी याद होगा कि मऊ को आजमगढ़ मार्ग को महाराज जी के काफिले को रोकते हुए पत्थरबाजी करवाई थी, काफ़ी परेशान किया था। तमाम ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं, आज चारों तरफ जहां से भी फोन आ रहा है सभी लोग काफी खुश हैं।
कि एक आतंक का अंत हुआ। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। देखिए सीधी सी बात है, मैंने कहा ना मेरे नेता से इतर नहीं कहा, मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए अराजकता होती है, पता नहीं क्या कहें। सदर असुद्दीन ओवैसी ने भी मुख्तार की मौत को सियासी एजेंडा बनाने और भुनाने की कोशिश में सरकार पर सवाल उठाए। उधर मुख्तार की मौत पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने हत्या का आरोप लगाया। कल 3:30 बजे उनके बेटे का मैं इंटरव्यू देख रहा था, 3:30 बजे भी उन्होंने कहा कि बेटा बस अब मेरा बॉडी यहाँ रहेगी और रूह निकल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इंगित करती है कि सीधे सीधे मुख्तार भाई को कत्ल किया गया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसे लेकर प्रशासन पर सवाल उठाते हुए लिखा, 2024 का सियासी रण बस कुछ ही दूर है। उधर मुख्तार अंसारी भी किसी दौर में उत्तर प्रदेश की सियासत में अहम किरदार निभा चुके हैं। ऐसे में विपक्ष मुख्तार की मौत को सियासी मुद्दा बनाकर शायद सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। शायद तभी एक माफिया की मौत पर कुछ ऐसी मर्सियां गाया जा रहा है मानो वो कोई साधु संत था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।